कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा जोर से। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णचंद्र इंद्र पूजा को बंद करा करके उन्होंने श्री गिरिराज पूजा की उन्होंने प्रारंभ कराए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। कोई जय हो कोई है बोल रहे हैं, पीछे लोग को लोगा तो मुंह नहीं खोलती है। अरे गिरिराज की जोर से जय कर लगाओ। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जब एक साल बीत गया इंद्र देखा हर साल ये ब्रजवासी मेरी बड़ी पूजा करती थी, एक साल से मैं इंतजार करके बैठा हुआ हूँ, राबड़ी मालपुआ रसमलाई बड़े सुंदर सुंदर पकवान मिलेगा, लेकिन इसी साल तो कोई मेरे पूजा की कोई नाम गंध तक भी नहीं। बोले भैया क्या बात है। उन्होंने एक दूत को भेजा देख करके आओ। पुजारी प्रभु जी आप पीछे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ पुजारी जी आप इधर बैठ जाओ। इसलिए उन्होंने बोले इसी साल तो कोई पूजा की कोई नाम गंध तक भी नहीं। इंद्र ने भेजा देख करके आओ तो क्या हो रहा है। वो आ करके देखा इंद्र के लिए जो पकवान बनाया था वो कृष्ण बोलने पर सबके सब श्री एक पहाड़ गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने इंद्र को बोल दिया तो इंद्र तो बिगड़ गया। बोले एक बच्चा का बात सुन करके मेरी इंद्र पूजा बंद कर दी। तब उन्होंने तरह तरह से गाली गलौज करने लग गए। बोले स्तब्ध बालक अज्ञानी, लेकिन भगवान के अंदर में ये दुर्गुण कहाँ से आ सकती है। बोले सुधा सरस्वती ने ये सारे चीज को उन्होंने स्तुति रूप में उन्होंने बदला दिया है। अज्ञानी मतलब जिनसे बड़े ज्ञानी कोई है ही नहीं है। इसलिए अभी बोले आज ये ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा। संवर्तक में अनचास पवन को बुलाया। बोले ऐसे ब्रज में मूसलाधार से बारिश हो, ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। और वृंदावन में हाथी के सूंड के जैसे बारिश होने लग गया, ओले गिरने लग गए, आंधी तूफान आने लगा। इसको देख करके सारे ब्रजवासी ये बच्चों सामने खड़े उठ जाओ, सारे ब्रजवासी कृष्ण को पास में गए। बोले कृष्ण देख तेरे बात सुन करके हम लोग इंद्र की तो पूजा बंद कर दी, देखो ये इंद्र क्या कर रहा है। आज भी इंद्र कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए देखो ये इंद्र क्या कर रहा है। कृष्ण बोले चिंता क्यों करते हो, हम लोग ने श्री गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज अपना चरण में हमें स्थान देगा। सारे ब्रजवासियों को लेकर के आए। जैसे एक छोटा बच्चा कोई छतरी को उठा दे ऐसे ही कृष्ण बाम हाथ कनिष्ठ अंगुल को पर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब श्री गिरिराज की तलहटी में आ जाओ। सबके सब गिरिराज तलहटी में आनंद ले रहे थे। इंद्र तो 7 दिन तक ओले वज्रपात और मूसलाधार से बारिश करिया। इतने में शंकर जी सुदर्शन चक्र का आदेश दिया। बोले प्रभु ये ब्रजवासियों को रक्षा करो। कृष्ण सुदर्शन चक्र को भेज दिया और सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्य का तेज प्रकाश हुई। ऊपर ऊपर में उन्होंने सारी बारिश को उन्होंने सुखा दी। और मैया जसोदा बारंबार कृष्ण को मक्खन खिला रही थी, मेरे लाला को भूख नहीं लग जाए, हाथ को मालिश कर रही थी लाला के हाथ में दर्द नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण के जितने सखा लोग थे ना
वो सब के सब डंडे को ला करके श्री गिरिराज में टिका दिया। बोले कन्हैया कब तक ये गिरिराज को धारण करोगे, थोड़ी सी तो विश्राम ले कर लो। कृष्ण ने कहा देखो ब्रजवासियों, तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या तू अकेला ही मैया का दूध पिया? हमने मैया की दूध नहीं पी, हाथ को नीचे कर दे, हम गिरिराज भी धारण कर लेंगे। कृष्ण जब हाथ को नीचे धीरे धीरे की, हे गिरिराज नीचे आने लग गया, जितने डंडे थे ना सबके सब टूटना शुरू हो गए। इतने में ब्रजवासियों बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही गिरिराज को धारण कर ले। इतने में कृष्ण अभी राधा रानी सामने आ गई। अभी राधा रानी को कृष्ण दर्शन करते हुए अरे कृष्ण तो कांपने लग गए, क्योंकि राधा जी के अंदर में ऐसे प्रेम है, राधा रानी इतने सुंदरी है। राधा रानी को दर्शन करते ही हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं बंसी करान निपति तस् खलितम शिखंडम भ्रष्टंत ब्रजराज सुनो। मतलब कृष्ण जब कृष्ण के एक इशारा पर दर्शन करे ना, कृष्ण की मोर मुकुट गिरी जाती है, कृष्ण की बंसुरी गिरी जाती है, कभी कृष्ण खुद भी गिरी जाते हैं। इतने में कृष्ण का जो हाथ ना डगमगाने लगा, इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया किधर देख रहे हो, इधर उधर मत देखा कर, कहाँ देख रहे हो, ठीक से खड़े रहो। कृष्ण कहते पता नहीं राधा जी को दर्शन करते ही मेरा हृदय में पता नहीं क्या होने लग जाता है। इतने में ब्रजवासियों ने क्या किया, कृष्ण राधा रानी के जो शरीर है ना कपड़े से ढक दिया, जैसे राधा रानी को दर्शन नहीं करे है। इतने में सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे थे। जब इंद्र ने 7 दिन को बाद में एक दूत को भेजा, बोले देखा देख करके आओ क्या हो रहा है। एक दूत तो ऊपर ऊपर से देख कर चला गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं। उन्होंने और एक दूत को भेजा, तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, वो जो नीचे आ गया ना ब्रज में देखा एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां तो धूल उड़ रहा है। इंद्र सोच रहा था ब्रज में कोई बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगा, विपत्ति नहीं हुआ तो संपत्ति, वो तो कृष्ण दर्शन कर रहे हैं और सारे ब्रजवासी वहां पर तो होली हो रही थी। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बर जोरी बता, कोई हाथ नहीं उठा रही, असली चीज नहीं लाए नहीं तो होली कैसे खेलोगे फिर। मैंने कल बोला था सबके सब गुलाल लेकर गया ना, और लास्ट में सब देखा हुआ तो होली मच रहा है, सब आनंद में कीर्तन कर रहे हैं। जब वापस गया इंद्र ने पूछा बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रखा था वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में श्री गिरिराज को उन्होंने उठा करके रखे,
और जितने सब ब्रजवासी नीचे आनंद ले रहे हैं कृष्ण दर्शन करते हुए, इंद्र सोचा ये है कौन। जब ध्यान लगा करके देखा ये कृष्ण, इनकी ये जो कृष्ण है, इंद्र पद को कद छीन लिया था हमारे श्री बलि महाराज, ये कृष्ण नहीं वामन अवतार में इन उन्होंने बलि महाराज से इंद्र राज्यत्व लेकर के दिया था। बोले हे भगवान, लगता है मेरा इंद्र पद ही छीन गया। मैं तो सोच रहा था कोई बालक है, देखा मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इतने में गुरु जी को पास में गई, बोले गुरु जी अपराध हो गया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी को पास में गई, ब्रह्मा बोले तुमने सब सर्वनाश कर दिया। अरे ये साधारण नहीं, मैं भी कुछ दिन पहले बुरी तरह से फंस गया था। बोले कैसे, बोले जिस समय कृष्ण सखाओं के साथ में उन्होंने भोजन कर रहे थे, कृष्ण ने एक अघास रूप बद्ध किया जो बहुत बड़ा एक अजगर सर्प बन करके आया था, मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। कृष्ण के सखा लोग जब जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तो भागने लग गई, बोले लगता है कोई सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। जो बड़े बड़े सखा थे बोले पागल, इतना बड़े कभी सांप देखे हो, लगता है विश्वकर्मा ने कोई चित्रकारी बनाया, चलो लगता है कोई गुफा होगा जिसमें साधु संत भजन करते हुएंगे, चलो हम सबके सब दर्शन करते हुए आए। बोले अगर सांप हो तो क्या करोगे, बोले कृष्ण जैसे बकासुर को मार डाले, कृष्ण इसको भी ऐसे मार डालेंगे। इतने में सखा लोग तो अंदर जा रहे थे, सांप का दो जीवा होता है, देखे कि नहीं। किसी सखा ने कहा भैया इसमें दो रोड क्यों बना हुआ, एक ने बोला तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने का और दूसरे अंदर से आने का। उन्होंने दांत बड़े बड़े खंभे जैसे गाड़ रखे, बोले ये खंभे क्यों गाड़ रखे, बोले लगता है कोई साधु संत भजन करते होंगे, चलो अंदर से दर्शन कर आएंगे। वो तो श्वास को बंद करके बैठा हुआ था, पता नहीं चले सर्प, जब धीरे धीरे श्वास छुड़ाना, सांप तो जानवर खाते हैं, अंदर से बदबू आ रहा था। बोले भैया अंदर से ये बदबू क्यों आ रहा है, ये गर्मी गर्मी हवा कहाँ से आ रहा है। बोले अरे लगता होगा संत लोग तो आसन प्राणायाम करते हैं ना, लगता है श्वास छोड़ रहे हैं। अंदर में चलते चलते हुए जा रहे थे, कृष्ण दूर से देखा, अरे ये तो अजगर सांप है, ये तो अघासुर है, ये तो हमें मारने के लिए मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। दूर से कृष्ण आवाज लगाया, बोले कृष्ण सखाओ अंदर में मत जाओ, ये अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। लेकिन ये सखा लोग तो ऑलरेडी जा चुके थे। कृष्ण सोचा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, सखाओं का बचाना और इसको मारना। इतने में जब कृष्ण अंदर में गए, अपना शरीर को उन्होंने इतना जैसे विशाल रूप धारण किया, भगवान का जैसे विराट रूप, उसको मुंह मुंह में ही भर गया सर्प, उसको श्वास ही बंद हो गई और वहीं पर उसने अपना दम को तोड़ दिए। इतने में देवता लोग आकाश से दर्शन कर रहे थे, पहले तो डर गए थे, ठाकुर भी अंदर में चले गए, लेकिन जब उसको मार दिया ना, इतने में देवता लोग भी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, उन्होंने भी जयकार लगाए। अभी इतने जयकार सुन करके इतने में ब्रह्मा धीरे धीरे भूर भूव मोह जनत सत्य लोग तो गया था, ब्रह्मा जी नीचे उतर करके देखने के लिए आए, यहाँ पर क्यों जय जयकार हो रही है। देखा कृष्ण इतने छोटा सा बच्चा 5 साल का और इतने बड़े दैत्य को मार दिए और उसको शरीर से एक ज्योति निकला और वो ज्योति निकल करके फिर कृष्ण को शरीर में समा गया। ब्रह्मा बोले ये कौन है, ज्योति भी जिसको सार में, देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से समझ लो माताएं, इसलिए कोई कोई कहते ना अरे भगवान तो ज्योति स्वरूप है, वो तो निराकार है, उसका तो रूप नहीं। नहीं, हमारा वेद कहता है जस्य ब्रह्म उपनिषद तत्पश्य तनुवा, जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, हमारी कृष्ण और राम इतने प्रकाश है, इतने प्रकाश है ठाकुर जी, उनका शरीर का प्रकाश ही ज्योति। इसलिए पहले श्री जनक महाराज भी वो ब्रह्म निराकार की उपासना करते थे, लेकिन जब भगवान राम जो जनकपुरी में आए ना, गोस्वामी जी कहते हैं इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता।
भक्त ब्रह्म मन त्यागा पर भक्त ब्रह्म मन त्यागा बिलो कत अति हर सीता प्रभु राम को दर्शन किया। पहले भगवान को निराकार निराकार मानता था, लेकिन प्रभु को दर्शन मात्र से ही वो हृदय में जो प्रभु को निराकार निराकार करता था वो अपने आप कहीं खत्म हो गया। अब भगवान राम रूप में ही एकदम डूब गए। हाँ, अच्छे तरह से समझो, भगवान को कभी निराकार मत कहा करो, ठीक है ना। भगवान हमारे कृष्ण है, भगवान हमारे राम है, बड़े सुंदर ठाकुर जी, वो निराकार नहीं है, वो बड़े सुंदर हैं। अगर ठाकुर नहीं हो तो तुम कहां से आ जाती बताओ? तुम्हारे पिता माता निराकार ना साकार है? अगर निराकार अगर पिता माता हो तो तुम कहां से टपक बड़ी बताओ? इसलिए भागवत कहता है भगवान को जो निराकार कहते हैं वो पाखंडी लोग हैं। वो पाखंडी भागवत कहते पद्म पुराण में, वो पाखंडी सब के सब जो भगवान को निराकार कहते हैं। और भगवान कहते मेरे को जो निराकार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा उसके ऊपर नाराज होता हूँ। मैं इतना सुंदर, इतने सुंदर सुंदर लीला कर रहा हूँ, मक्खन चोरी करता हूँ, रास लीला करता हूँ, निराकार होता था कहाँ से करता? इसलिए भैया मैं निराकार नहीं, मैं साकार हूँ। और इनके जो ज्योति ये ज्ञानी लोग उनको दूर से निराकार कहते हैं। इसलिए निराकार को भजन नहीं करना है, भजन करना है लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को, सीता राम को, इनको हमें भक्ति करना है। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति वो कृष्ण को शरीर में समा गया, ब्रह्मा तो आश्चर्य में पड़ गई, बच्चा कौन है? इतने में कृष्ण जब सखाओं को साथ में बैठ करके वन भोजन कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा आगे लीला देखने के लिए उन्होंने कृष्ण की बछड़े को उन्होंने चोरी कर लिया। सखाओं बोले हमारी बछड़े कहाँ चले गए, भागने लग गए। बोले कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो मैं देखता हूँ। जब उन्होंने सखाओं को गैया को ढूंढने के लिए गए ना, इधर ब्रह्मा जी सखाओं इनके सखाओं को भी उठा करके ले गया, लेकर के गुफा में उन्होंने बंद कर दिया। गुफा में बंद करके ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में पहुंचा ना, कृष्ण सब कुछ जान गए। अपना शरीर से बही से सखा और बछड़े को कृष्ण ने प्रकट की, कृष्ण सब समझ गए ये ब्रह्मा मेरे को परीक्षा करना चाहते हैं। और ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। आगे उसका जो दरबार थे ना, बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूम रहे हैं, मैं अंदर में जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे जैसे आए तो घुसने मत दिया करना। जो सचमुच से ब्रह्मा गए उसका जो दरबार थे ना, डंडे लेकर मारने दौड़े। बोले तू कहाँ से आ गया, हमारी ब्रह्मा तो अंदर में। ब्रह्मा बोले ये फिर कौन बैठ गया? ब्रह्मा को तो पता मैं कुछ गड़बड़ी कर गया, देखा उसका दरबार ही घुसने मत दिया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए तो देखा उनकी प्रभु ही ब्रह्म पद को दखल कर लिया। फिर ब्रह्मा गए और आए, इसी मरते जगत में 100 साल हो गया, मरते जगत में 1 साल हो गया। और 1 साल को बाद में देखा कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे थे। इसको देख करके ब्रह्मा फिर भ्रमित हुआ। ब्रह्मा जी का 4 सर है, इधर 2 सर इधर 2 सर। जब एक साथ में देखा, भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी मैं कौन हूं, देखा जितने बछड़े सखाए सबके सब आप ब्रह्म स्तंभ, सबके सब नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए मैं एक नारायण की नाभि कमल से जन्म हुआ, यहाँ तो अनंत नारायण है। वो समझ गए जो कृष्ण है मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की, ये कृष्ण है। देखो ये ब्रह्मा जी ये बात को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ये जगत सृष्टि करने वाले। हाँ ध्यान से सुनो, भागवत से कुछ लेकर के जाओ। ये ब्रह्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण जितने कारणों का जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण है। ये नारायण नारायण का भी मूल श्री कृष्ण है, श्री बलदेव प्रभु का भी मूल श्री कृष्ण है। ये कृष्ण की इच्छा से ही ये विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय
बांके बिहारी के आदेश पर ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, बांके बिहारी के आदेश में ही शंकर जी संहार करते हैं और इनके आदेश ही जो विष्णु जगत का पालन करते हैं। ये बांके बिहारी के आदेश पर आपका घर में लड्डू गोपाल है कि नहीं? लड्डू गोपाल किसको किसको घर में गोपाल जी है? हाँ, इसलिए गोपाल जी को साधारण मत समझो, वो देखने पर लगते हैं छोटे नहीं बड़े खोटे ही हैं, वो लगते हैं जैसे छोटे चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप नहीं विश्व ब्रह्मांड का मालिक वही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। समस्त कारणों का जो मूल कारण है श्री ये लड्डू गोपाल जो कृष्ण कन्हैया, बोले श्री बांके बिहारी की। जब कोई श्री कृष्ण की भक्ति भगवान की भजन कर लेता है समझो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड तृप्त हो गए। अगर कृष्ण खुश हो गए ना, अलग करके इसको पूजा करो इसको पूजा करो इसको पूजा करो कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण खुश हो गए मतलब सबके सब तुम्हारे ऊपर खुश हो गए। इसने घर में तो कृष्ण पूजा है पर इधर उधर भाग रहे उधर उधर भाग रहे, नहीं भैया ऐसे करोगे तो कृष्ण तुम्हें फिर स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण किसी झूठा नहीं खाते हैं, बांके बिहारी किसी झूठा नहीं खाते हैं, इसलिए समस्त कारण का कारण से बांके बिहारी इसलिए कृष्ण को एकनिष्ठ होकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर सबका आदर करो। लेकिन हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना होई, हृदय में केवल बांके बिहारी को ही बैठाओ। ये ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, उनने भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं, बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोवी जे प्रायस अजीतो जितो अपि त्रैलोक्यम। देखो ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोले भगवान का एक नाम है अजीत, अजीत मतलब होता है जिसको जितना पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे भगवान को कैसे तुम पा सकते हो? बोले तुम्हारी अंदर में जितने अभिमान हैं, है ज्ञान की अभिमान कर्म की अभिमान सारे अभिमान को त्याग दो। त्याग देकर क्या करो? कहते संतों के चरण में रहते हुए उनकी मुखारविंद से भगवान और उनके भक्तों की कथा रूपी जो अमृत बहती है इसमें गोता लगाते रहो। बोले कैसे गोता लगाओगे? बोले काय मन और वाक्य से। बोले शरीर में भी गोता लगाओ। बोले भैया शरीर से कैसे? जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो यहाँ पर बैठे हो हैं, कथा रूपी गंगा में तो स्नान ही कर रहे हो ना, और जहाँ पर आओ वहाँ पर प्रणाम करो, कथा वाचकों को प्रणाम करो, कथा सुनने वालों को प्रणाम करो, जहाँ कथा हो रही है उनको भी प्रणाम करो। अब बोले स्थाने स्थिताम, देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो। अगर किसको हम बोलते ना भैया माला लेकर भजन करो, बोले अभी बहुत सारी काम है, जब सारे काम निपट जाएंगे ना प्रभु का भजन करेंगे। आप बताओ जगत में अभी तक किसका काम निपटा है? बोले तू खुद निपट जाओगे, काम कभी नहीं निपटेगा, कभी काम नहीं निपटेगा। यह ब्रह्मा जी कहते हैं जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ठाकुर जी जिस अवस्था में तुमको रखे हैं उसी अवस्था को जीवन में सबसे श्रेष्ठ मान करके भगवान की भजन करो। अगर आगे तब भी बढ़िया होएगा जब भगवान की भजन करोगे, भगवान की भक्ति के बगैर आगे कभी बढ़िया हो ही नहीं सकती है। भगवान कहते हैं ना मेरे तरफ में तू एक कदम बढ़ा, तेरे तरफ में मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। अगर तू एक कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो ठाकुर क्यों बढ़ाएंगे तुम्हारे प्रति? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जिस अवस्था में तुमको ठाकुर रखे वो अवस्था को जीवन में सबसे बढ़िया मानो। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय एक राजा एक मंत्री जंगल में शिकार खेलने गए, शिकार खेलते खेलते राजा का ये कनिष्ठ अंगुल कट गया। राजा बोले मंत्री मेरी ये अंगुल कट गया, लेकिन मंत्री बड़े भक्त है, हर बात बात पर कहते थे ठाकुर किसी की कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं, ठाकुर जी मंगलमय हैं, ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते, कभी ठाकुर जी बुरा करते नहीं। बोले जिंदगी भर के लिए मेरे अंगुल कट गया, तू कहते हो ठाकुर जो कुछ करते अच्छे करते हैं। बोले ठाकुर कभी किसकी बुराई कर ही नहीं सकते, हम तो ठाकुर के बच्चे हैं, पिता माता थोड़ी बच्चों का अमंगल सोचते हैं। बोले इसमें भी तुम्हारी कुछ कल्याण,
बोले ठाकुर जो कुछ करते सब कल्याण। बोले हाँ। बोले अभी तेरे कल्याण करता हूं। एक सूखा कुआ था, राजा ने मंत्री को ना धक्का मार कर भिजा दिया। बोले ये अंधकार कुएं में पड़ा रहा, तू कहते ना ठाकुर जो करते अच्छे के लिए, अभी उसने गिरा दिया और भाग गया राजा। अभी मंत्री तो अंधकार कुएं में पड़ा हुआ। जब राजा थोड़ी दूर आया, एक डाकू का सरदार था, उसने माता देवी को पास में मनोती रखा था, मेरे घर में एक बालक का जन्म हो जाएगा, माँ तेरे सामने एक नर बलि दूंगा। और किसी तरह से घर में बच्चा हो गया। तो डाकू का सरदार बोले डाकुओं को, बोले जाओ माता जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, जंगल में जो कोई मिल इंसान मिले पकड़ करके ले आओ, माता जी को सामने बलि दूंगा। मिल गया राजा। बोले वाह बड़ी सुंदर लंबे चौड़े, मैया तो बड़ी खुश होगी। अभी राजा को स्नान खान करा के, अभी जो जुपकाष्ठ जिसमें गले को फंसा कर काटते हैं, राजा का गला को फंसा दिया। राजा तो कांप रहा था, हे भगवान मंत्री रहता तो किसी तरह से लड़ाई करके बच जाते, हमने मंत्री को तो अंधकार कुएं में फेंक करके आया, अभी क्या होगा। अभी उसको लेकर के लकड़ी में गला को फंसा दिया और उठाया तलवार उसको काटने के लिए। राजा तो कांप रहा था, हे भगवान आज क्या हो रहा है। लेकिन नियम है माता जी को सामने वही चीज बलि चढ़ सकती है जिसका अंग परिपूर्ण हो, जिसका अंग परिपूर्ण नहीं वो माँ को बलि चढ़ ही नहीं सकती। इतने में जब उठाया था खड़ग, देखा राजा का अंगुल कटा हुआ और खून टपक रहा है। उठाया था राजा छटपट छटपट कर रहा था, राजा ने तलवार को नीचे कर दिया। बोले नहीं ये माँ को बलि नहीं चढ़ सकती, क्यों, इसका अंगुल कटा हुआ है, ये पूर्ण नहीं। बोले इसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया, बोले मंत्री तो सही बोल रहा था, ठाकुर किसके कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, ठाकुर मंगलमय है, अरे जो कुछ करते अच्छे के लिए करते। उसको ये बात समझ में आ गया, वो वापस आया मंत्री के पास में, फिर अंधकार कुएं से उसको निकाला। बोले मंत्री तुमने जो बताया था सही बताया था। बोले ऐसे ऐसे मेरी घर में घटना हुई है। बोले फिर, बोले देखो मैं तो समझ गया ठाकुर जी मेरे कल्याण किया, लेकिन तेरा क्या कल्याण किया, तब से अभी तक तेरे को कुएं में फेंक करके अंधकार कुएं में तू पड़ा रहा। देखो मंत्री क्या कहता है। बोले राजा तेरे कल्याण नहीं, कल्याण तो मेरी हुई है, क्योंकि अगर तुमने ये अंधकार कुएं में मेरे को धक्का मारकर नहीं फेंकता तो हम दोनों जाते, तेरा तो अंगुल कटा हुआ तेरे को छोड़ देते और मेरे को पूरा के पूरा देवी को सामने चढ़ा बलि चढ़ा देते। देखो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी कह रहे ये चीज को गांठ बांध कर ले जाओ। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं ये समझो अपना किया हुआ कर्म का फल भोग कर रहे हैं, उसको भोग करते जाओ, उसको भोग करते जाओ, हंसते हंसते भोग करो, लेकिन भगवान की भक्ति कभी मत छुड़ा करो। और जिस अवस्था में हो उसी अवस्था से ही ठाकुर का नाम जप करो, प्रभु का कीर्तन करो, ठाकुर का सेवा पूजा करो, उसी अवस्था से ही ठाकुर जी की भक्ति करते रहो। ऐसे जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करते हैं ना, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं एक दिन जरूर उसको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी की स्तुति कर रहे थे, लेकिन ठाकुर तो सखाओं को साथ में खेल रहे हैं, सखा लोग तो ब्रह्मा जी को मजाक कर रहे थे, ये चौमुआ चौमुआ कहाँ से आ गया, ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गया। कृष्ण ने देखा मैंने इतने सुंदर सुंदर स्तुति कर रहा हूँ, ये तो कृष्ण खुश नहीं हो रहे हैं, अभी तक तो मैंने कृष्ण को स्तुति की, अभी थोड़ी सी कृष्ण के भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले ये ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताएंगे, कृष्ण कौन है, कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण सनातन है। लेकिन ऐसे होते हुए भी अभी देखो ब्रजवासियों को सखाओं को सखा बन गया और मैया जसोदा की लाला बन गया। अगर कभी कृष्ण मक्खन चोरी करते हैं, मैया कहते लाला तेने मक्खन खाई, कृष्ण झूठ बोल देते हैं डर के मारे, क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुन मैया भयो गई
इसलिए कृष्ण झूठ बोल देते हैं, ये ब्रजवासियों ने क्या ऐसे सौभाग्य की, मैया कन्हैया को कभी मक्खन खाने पर उखल में बांध देती हैं, कभी अगर राधा रानी मान करती हैं, श्री श्याम सुंदर राधा रानी के चरण में गिरते हुए प्रार्थना करते हैं, बोले हे राधे आज तुमने इतने मान क्यों की हो, अपना मान को तू परित्याग कर दे। इसलिए ब्रजवासियों ने इसे क्या पुण्य की, जब उन्होंने ये स्तुति की ना, इतने में कृष्ण खुश हो गए। कृष्ण खुश हो गए मतलब क्या, कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को खुश करना चाहते हो मेरे भक्तों को खुश कर दो, मेरे भक्तों को सेवा करो, मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। क्यों, संतों का हृदय में मैं बैठा रहता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु, अगर कोई पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन तेरी महिमा को कोई था नहीं पा सकता। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर श्री हरे कृष्ण जदुनंदन प्रभु जी अपने कृष्ण रुक्मणी को तैयार किया कि नहीं, तैयार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो बारिश आएगा। बोले एक घंटा बाद में बारिश आने वाले है, पहले पहले बारिश आने से पहले हम कथा को विश्राम दे दे, जाओ अच्छे तरह से तैयार करके ले आओ फटाफट। इतने में बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधेश्याम। इसलिए यहाँ पर श्री पितामह ब्रह्मा कहते हैं, भैया मैं भी बड़े बुरी तरह से फंस गया था, ये कृष्ण बड़े उनके चरण में नहाकर रगड़ना पड़ा। बोले क्या किया जाए, बोले कृष्ण गोपाल है, गैया को पालन करते हैं ठाकुर जी, इसलिए चलो हम सुरभि का भी की आनुगत्य में जाते हैं, हो सकता है कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तब उन्होंने सुरभि का भी की आनुगत्य में कृष्ण की शरण में आए, भगवान को उन्होंने अभिषेक करके ठाकुर का एक नाम दिया, गोविंद नाम दिया है। बोले श्री भगवान गोविंद देव की है। इसलिए गोविंद नाम दे करके भगवान ने बोले देखो इंद्र, तुम्हारे अंदर में अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा हूं, अगर मैं नहीं बारिश बरसाऊंगा तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी दुखी हो जाएगी। बोले नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूलि को मैं भी प्राप्त करने के लिए मैं भी चाहता हूं। बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करने से कोई इंद्र बन सकता है, लेकिन 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से कोई भी राज ब्रज की एक धूल को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी अभिमान को दूर करने के लिए मैंने लीला की। देखो इंद्र, जस्य अम अनुगृह्णामि हरि से, ध्यान देकर सुना, बोले जस्य अम अनुगृह्णामि हरि से तद धनोसने, मैं जिसको पर सही सही कृपा करता हूँ ना, ध्यान देकर सुना क्या बोलते हैं, मैं उसको आसक्ति वस्तुओं को मैं हरण कर लेता हूँ, उसको आसक्ति वस्तुओं को मैं हरण कर लेता हूँ, जिसको पर मैं सही सही कृपा करता हूँ। सही सही कृपा ये मत समझो ज्यादा पैसा दुनियादारी मिल गया तो ठाकुर की कृपा, भगवान कहते नहीं, कृष्ण खुद कहते हैं जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सारे संसार की वस्तु को मैं हरण कर लेता हूँ। क्यों, जैसे सुदामा जी की सब कुछ ठाकुर ले लिया, पहले ले लिया लेकिन जब दिया ना छप्पर फाड़ कर दिए, है छप्पर फाड़ कर, इसलिए कहते हैं ठाकुर जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं ठाकुर जी छप्पर फाड़ करके देते हैं, लेकिन पहले भक्तों को नहीं देते हैं। बोले कारण क्या, बोले इस चीज को हजम नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा आ जाए ना शराब के पास में जाएंगे, देखो ज्यादा जिसको पास में पैसा आए ना, देखना किसी जुआ खाना जुआ अड्डा में बैठे होंगे, कहीं शराब की दुकान में बैठे होंगे, कहीं गंदी गंदी जगह पर बैठे हुए देखोगे, इनको कथा में नहीं देखोगे। जो कथा में आते हैं तो बड़े भाग्यवान व्यक्ति है जो कथा में आकर बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं कहते हैं, इसलिए हे इंद्र तेरे अंदर में अभिमान आ गया था, इसलिए तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने इसे की, खबरदार कभी अभिमान नहीं करना। बोले प्रभु माफ कर दो, मेरी अपराध हो गई, भगवान उसको माफ कर दिए।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आज के आनंद की जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान कृष्ण ने दिव्य उन्होंने रास लीला उन्होंने की है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये रास लीला को वर्णना करने जा रहे हैं, बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनश्चक्रे जोग माया नुमुपाश्रिता। जब रास लीला की प्रारंभ करते हैं, बोले सावधान, कि जो रास रचया कौन है, ये भगवान है, ये कोई जीव रास लीला नहीं कर सकता है। हाँ, अच्छे तरह से सुना, इधर उधर कोई मत देखा करो, कथा को सुना ध्यान से। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते रासलीला कौन कर रहा है, बोले ठाकुर जी रासलीला कर रहे हैं, जीव नहीं कर रहे हैं, दुनिया का जो मालिक है। कोई कोई कहते हैं ना, क्या ठाकुर ही रासलीला कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम भी गोपियों को लेकर के हम भी नाचेंगे कृष्ण जैसे नाचे थे। आप लोगों ने शादी किया हो, कौन कौन ने शादी किया, हाथ उठाओ तो, सबके सब शादी किया हो। देखो एक समय, हाँ ध्यान देकर सुनो, एक समय देखना लड़की जब शादी करके वो ससुर घर जाती है ना, बहुत रोती है। एक समय कोई लड़की बहुत रो रही थी, इतने रो रहे थे रोना बंद नहीं हो रहा था। परिवार समझा रहे थे, बेटी चिंता मत करो, हम भी बीच बीच में आ जाएंगे, तू भी आ जाना, भैया भी जाएगा, लेकिन रोना बंद ही नहीं हो। इतने में पति ने कहा, क्यों रो रही हो, चुप हो जा, रोती जा रही है, रोती जा रही है। इतने में वो कहती है, देखो जीवन में मैं पहला दिन रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। अभी मैं नहीं रोगी, कल से तू रोगे। आप लोगों ने शादी किए होंगे ना, सब शादी किए हो, एक परिवार को, एक पति पत्नी, आप देखना कितने कष्ट करके भी एक परिवार को हम भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हैं? इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते। एक व्यक्ति की दो पत्नी थी, पति बाहर से जब काम करके आए ना, रोज घर में लड़ाई, रोज घर में लड़ाई। पति सोचता है भैया बाहर से आए, पत्नी थोड़ा मीठा मीठा बोली बोले, पास में बैठ करके गर्म रोटी खिलाए, थोड़ा हवा करे। अरे घर में आते ही दोनों की महाभारत, पति इतना परेशान। देखो आप लोग भी माताएं हैं, जैसे पति बाहर से आए ना, पति बाहर से आते ही सारे घर का लड़ाई झगड़ा पति को बोलना शुरू कर दो, नहीं ये नियम नहीं है। देखो माताएं ये चीज को समझ कर जाओ, क्योंकि पति दिन भर काम करता है, काम करके परेशानी होकर घर में आता है। अगर घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो कभी खुश रह सकता है? इसलिए घर की हर बात हजम करनी चाहिए। ऐसे नहीं हर बात बात को फोन में बोलते जा रहे हो, आते ही परेशानी की, नहीं। अगर आप घर की लक्ष्मी है ना, पति घर में आए तो मीठी मीठी बोली बोलो, उनका अच्छे तरह से व्यवहार करो, जैसे बाहर का परिश्रम जैसे शांत हो जाए, ठीक है ना। इसलिए परेशानी की बात नहीं बोलनी चाहिए, परेशानी की बात। इतने में रोज घर में लड़ाई झगड़ा, एक दिन इतने परेशानी हो गया, बोले दो के लिए दो मंजिल बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, तो कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन जो नीचे रहती है ना, पति जब बाहर से काम करके आता है ना, वो पहले से रोटी सब्जी बना कर रखती है और पकड़ करके नीचे घर में ले जाए। जो ऊपर रहती है दिन भर परेशानी, एक दिन ऊपर वाली को तो क्रोध आ गया, बोली रोज रोज ना अटक गई, वो एकदम खाना बनाकर नीचे उतर के आकर घर के सामने बैठ गई, बोले आज मैं मजा चखाती हूँ। जब उसने पति काम करके आया, बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर बैठ जाती, चलो आज ऊपर चलो, हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। इतने में जो नीचे थी, बोले भैया मैं भी तो खाना बना करके बैठी हूँ, एक हाथ पकड़ करके तो ऊपर ले जा रही थी और एक टांग पकड़ ली, एक हाथ पकड़ ली और एक टांग, और दोनों छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बोले छोड़ो छोड़ो, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसके घर में एक चोर आया था चोरी करने के लिए, वो चोरी करेगा क्या, तो मजा देखना शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है, दो पत्नी होने पर घर में कैसे झगड़ा है। अभी चोर को जब झगड़ा खत्म हुई, चोर देखा घर में बैठा हुआ, पकड़ कर पुलिस को पास में ले गए, बोले इसको क्या सजा दिया जाए, बोले देखो मेरे को जो कुछ सजा दोगे देने लेने के लिए तैयारी, लेकिन एक सजा मत दो, मेरे घर में दो पत्नी नहीं होनी चाहिए, घर में दो बीवी घर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण कितने गोपियों को साथ में रास कर रहे थे, 100 करोड़, कितने 100 करोड़ गोपियों को साथ में, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, हर गोपी देख रही थी हमारे साथ में
कृष्ण है, ऐसे भगवान। इसलिए कहते भैया जो रास रचिया है ना, ये कोई साधारण जीव नहीं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है वो रास कर रहे हैं। इसलिए कहते ये भगवान कृष्ण। अभी ठाकुर जी बंसी बट को नीचे ठाकुर जी आकर के बड़ी सुंदर सुंदर उनने बंसी ध्वनि की, बोले जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, उनने तो क्लिंग शब्द उच्चारण की, लेकिन राधा रानी सुन रही थी। बंसी ध्वनि से केवल राधे 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 निकल रहा है। श्री ललिता सुन रही थी केवल यहाँ से ललिता ललिता, विशाखा सुन रही थी विशाखा विशाखा शब्द निकल रहा है। सब गोपियां अपना अपना नाम को सुने, कोई रसोई बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई पति का सेवा कर रही थी, लेकिन उसी समय में ही सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दौड़ पड़े। जब कृष्ण के लिए दौड़े कुछ गोपियां तो चली गई, लेकिन कुछ गोपियां नहीं जा पाई। बोले गई कौन नहीं गई कौन, बोले वही गोपी जा पाई जिनकी भाव परिपूर्ण था, जिनकी शरीर पवित्र था, जिनकी शरीर पति को साथ में कोई संबंध नहीं था, वो शरीर उनकी पवित्र थी। लेकिन जिनका शरीर पति से संबंध था वो शरीर अपवित्र है, वो शरीर कृष्ण सेवा के लायक नहीं है। इसलिए जोग माया उनको जाने नहीं दी, उनको रोक दी। जब रोक दी इतने में गोपियां तो कृष्ण विरह में इतने व्याकुल हो गई, बोले हे प्रभु आज आपकी दिव्य रास लीला में आज हम सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, आप हमारे ऊपर में कृपा करो। बादल बड़ी जोर से बारिश आने वाले वाले ना, बारिश देखो तो यूट्यूब में देखो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए भगवान जिस जो अवस्था में थे सब के सब छोड़ करके आए, ठाकुर जी ब्रज गोपियों के साथ में दिव्य रास किए। जिस रास लीला में शंकर भी श्री गोपी रूप धारण करते हुए शंकर जी आए, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ेगा श्री गोपेश्वर महादेव की। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की। हाँ देखो हम लोग ने ये जो श्रीमद् भागवत कथा है हम लोग ने 7 दिन तक सुने। नियम है कथा से कुछ लो और कथा से कुछ दो। अभी ध्यान देकर सुनो। द
10 मिनट में कथा को हम विश्राम कर देंगे क्योंकि बारिश आने वाली है। इसलिए कुछ लो और कुछ दो, बोले क्या ले और क्या दे, बोले जितने गंदी चीज को यहीं छोड़ करके जाओ, बोले ले करके किया जाए, बोले ठाकुर जी की भक्ति और ठाकुर जी का प्रेम को यहाँ से लेकर के जाओ। बोले गंदी चीज क्या है, ध्यान देकर सुनो, अच्छा तरह इधर उधर बात मत करो, ये बच्चों को ही चुप कराओ। इसलिए बोले श्री भागवत में श्री परीक्षित महाराज कलिजू को उन्होंने चार ही जगह पर स्थान दिया है, इसलिए चार ये पाप चीज है, चार ही पाप को छोड़नी चाहिए। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि जुआ खेलने पर धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये जुआ खेलने से सत्य रूपी चरण खत्म हो जाता है। दूसरा नंबर पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीज को दूर रखनी चाहिए। इसलिए आप लोग भी पति और बच्चों को भी ये जो शराब से दूर रखना, क्योंकि आप लोगों को हम तो बहुत सारी जगह पर जाते हैं, अगर किसका पति अगर कोई बच्चा अगर शराब पीना शुरू कर दिया ना, समझो वो घर का बर्बाद हो गया, वो घर कभी टिक नहीं सकती, वो घर में कभी मंगल हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अपना बच्चों से पति से शराब से रोकना, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था ना शराब पीने वालों को 3 लाभ है। बोले पहला लाभ क्या है, कहते तो वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा, वो पी पाकर तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, वो बूढ़ा होगा कहां से। दूसरा नंबर घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, गया सबके सब। तीसरा नंबर कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके रोड में पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर पेशाब कर जाएगा मुंह। इसलिए इस सब नस्ली वस्तु से दूर रहना, ठीक है ना। देखो ये जो चाय है ना, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, बोले चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटिन कफिन डालते हैं जो जहर है। जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है, देखना शराब पीने का समय आ जाएगा, नहीं पिएगा तो ना क्या होता है, घबराहट होती है। और जो लोग चाय पीते हो, अगर चाय मत पियो बताओ क्या होता है, सर दुखता है ना, सर क्यों, उसमें निकोटिन कफिन डाला हुआ। अब रामदेव का योगा देखना, कभी भी चाय पीने के लिए नहीं कहता है। जो व्यक्ति खाली पेट में चाय पीते हैं वो गैस्ट्रिक होता है, वो बीमारी पड़ जाती है। ये अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले बिना पैसा की चाय पत्ता बांटना शुरू किया, बिना पैसा की, और जब बाद जब नशा चढ़ गया ना, फिर उल्टा पैसा लेना शुरू कर दिया। इसलिए ये हर्बल टी लो, गोकुल टी लो, प्रज्ञा है जो जड़ी बूटी से बना हुआ, ये चीज को लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए जो अच्छी चीज है, हाँ अच्छी चीज है। इसलिए कोशिश करना चाय को भी धीरे 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 त्याग करने के लिए। तीसरा, इसको पीने से नशा वस्तु सेवन करने से क्या होता है, तपस्या नष्ट हो जाएगी। तीसरा नंबर है स्त्रियों, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में, बोले जो स्त्रियां अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों से मिलते हैं, संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थ को बैठाओ। बगैर शादी के जो अवैध रूप में जो संबंध है, जैसे अभी सब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शास्त्र एकदम ये चीज को मानता नहीं है, इसलिए ये सब चीज से दूर रहनी चाहिए, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चीज है जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब होता है मांस, मछली, अंडा और ये प्याज लहसुन को त्याग देनी चाहिए, मांस नहीं खानी चाहिए। इसलिए इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं मांस। मांस का मतलब क्या है, मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब वह, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में जो तुमको फेर खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट, उल्टा दो ईट मी, मतलब जिसको तुम खा रहे हो बाद में जो फेर तुमको खाएगा। इसलिए ये जीव हिंसा है सबसे बड़ा पाप, ये जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया। इसलिए आप लोग कोशिश, आप मुझे लगता है तो यहाँ पर कोई मांस मछली नहीं खाते होगे, कोई खाते हो क्या,
कौन खाते हाथ उठा तो, इसलिए नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग के लिए ताली बजाओ, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो जो कि ये मांस मछली को नहीं खाते हो। और एक चीज है, ये प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पहले आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, ये प्याज बनी कैसे, ये गो मांस से ही ये प्याज बना है। पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी वो गैया को मरण नहीं देते थे, उसके लिए यज्ञ करते थे। हरे कृष्ण पीछे कोई है, जो माताएं आ रही ना उनको आने मत दिया करो, पीछे रोक दो, बाद में आए सब के सब। जो माताएं आ रही हैं आगे आगे, उनको आगे आने मत दिया करो। कृष्ण रुक्मिणी बनाया भैया, बन गया कृष्ण रुक्मिणी, रुक्मिणी कहाँ है, हरे हरे कृष्ण। इसलिए ये सब चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। भागवत में तो आती है कथा, जब भगवान सुदर्शन चक्र से वो दैत्य को वध किया, जहां पर ये मांस गिर पड़ा वहीं पर ही प्याज की पौधा हुई, जहां पर उसकी हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर ये मसूर डाल हुई जहां पर खून की बूंद गिरा। इसलिए पहले ये सब चीज को कोई भी हिंदू लोग घर में नहीं घुसाया करते थे, क्योंकि हर हिंदू घर में ठाकुर को सेवा पूजा, ठाकुर जी को भोग लगती थी। कोशिश करना ये सब चीज से दूर रहने के लिए, और घर में जरूर ठाकुर जी को भोग लगाओ। क्या करो बोलो जोर से, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ। पहले मैंने आपको बताया था भोग लगाने का कितना पुण्य है, क्योंकि सुदामा दरिद्र क्यों बना, ये भगवान को बिना दिए खाए जब गुरुकुल में जा रहे थे, गुरु माता ने जो चाना दी थी उसने ठाकुर को बिना दिए खाए, इसलिए उनको गरीब बना, धनी का बना। जब ठाकुर जी को दर्शन करने गए, दो मुठी चिड़वा खाया तो त्रिभुवन का राज्य दे दिए। इसलिए घर में अगर ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे, जरूर घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, खूब पैसा आएगी। लेकिन कोई कोई कहता हम तो भोग लगाते हैं, बोले कैसे, बोले खुद तो प्याज जैसे डाल डूल करके शाही पनीर मटर पनीर खुद खाते हैं, और ठाकुर को थोड़ा बातासा नहीं तो एक गिलास भोग लगा दिया। नहीं, ये कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर का मालिक ठाकुर है। गुरु जी कहते थे जैसे आपके घर में कोई एक नौकर हो, वो नौकर बढ़िया बढ़िया बना बना कर खाता है, लेकिन जो माली को जैसे तैसे खिला देता है, अगर माली को पता चले ये बात, क्या करेगा माली, नौकर को क्या करेगा, धक्का मार कर घर से निकाल देगा। घर का मालिक हम ना, घर का मालिक ठाकुर है। बोला घर का ठाकुर कौन मालिक, घर का ठाकुर, घर का मालिक, वो क्या देख नहीं रहे तुम क्या कर रहे हो। इसलिए प्याज लहसुन को त्याग दे करके शुद्ध रूप में बनाओ, जैसे अभी प्रसाद आज देखना, आज तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना, क्या क्या प्रसाद आज बना, हलवा बनी प्योर देसी घी का, और क्या बना, चावल छोले पूरी और सब्जी। अब देखना आज बगैर प्याज लहसुन के खा कर देखना उसमें स्वाद आता है कि नहीं। जब कोई चीज ठाकुर को भोग लग जाती है ना, उसमें स्वाद अपने आप उसमें स्वाद आ जाती है, ठीक है ना, कोशिश करना। और कुछ कुछ माता है, ध्यान देकर सुना, जैसे घर में गोपाल जी को पूजा कर रहे हो, लेकिन गले में तुम्हारी तुलसी कंठी नहीं, ये चीज को अच्छा तरह से समझो। ये भागवत कहता है जिसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं, वो ठाकुर जी के लिए कोई भी चीज को बना नहीं सकती। ठाकुर का कोई भी चीज उसकी हाथ में ठाकुर भोजन नहीं करते, क्यों, ये जो शरीर है, गोस्वामी जी कहते हैं खिति जला पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये अधम शरीर टाटी पेशाब खून से के बगैर कुछ है ही नहीं, कुछ भी शरीर में नहीं। अब पेट फाड़ दो सो भाग जाएंगे यहां से। अब सवेरे उठ करके देखो, मुंह से बदबू, कानों से बदबू, नाक से बदबू, और नीचे तो बदबू बदबू ही निकलती है शरीर से। अब ब्यूटी पार्लर में जाओ, बढ़िया से सजो, अब 5-10 मिनट धूप में आ जाओ, देखना रोम रोम से बदबू निकलती है। ये शरीर ठाकुर को सेवा में लगी नहीं सकती है जब तक गले में तुलसी की कंठी कोई नहीं पहनते हैं। इसलिए गुरु जी को पास में जब आओ, सबसे पहले गुरु जी तुलसी की कंठी देते हैं, क्यों, जैसे ठाकुर जी को भोग लगाओ, छापान भोग छत्री से व्यंजन कहते, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। भगवान को जितना जो कुछ भोग लगाने पर भी अगर उसमें तुलसी पता नहीं तो ठाकुर जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा था तुलसी कंठी ले जाना,
लेकिन वही व्यक्ति तुलसी कंठी पहन सकते हैं जो क्या करते हैं प्याज लहसुन जो नहीं खाते हैं। इसलिए कुछ कल माताएं तो माला लेकर गए, कुछ तो कंठी लिए। आज जिनकी इच्छा होगी हम भी कंठी पहनना चाहते हैं, अपना नाम लिखा करके आप लोगों ने कंठी और माला लेकर के जाना, क्योंकि हमारे पास में मंदिर है। अगर बीच बीच में वहां पर आओगे सत्संग होता है फिर तो तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी, नहीं तो क्या होगा जैसे सात दिन कथा खत्म हुई, कथा खत्म हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए संतों के साथ में जुड़े रहेंगे तो भक्ति हमारी जुड़ी रहेगी। इसलिए लास्ट में जो लोग माला लेना चाहे तो माला लेकर के क्या करना, यहाँ से गले से कंठी ले लेना, ले करके फिर भजन करना, ठाकुर जी को भोग लगाना। पुजारी जी चुप इधर बैठो, क्यों उधर जाते हो? इसलिए तुलसी माला और जरूर तुलसी कंठी पहना करो, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ये गंदी चीज को छोड़ना है, कहते चार अच्छी चीज को जीवन में ग्रहण करो। बोले क्या चार चीजों को? कहते चार चीज क्या स्वीकार करे, देखो ध्यान देकर सुना। पहला नंबर है हर घर घर में ठाकुर पूजा होनी चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर को सेवा पूजा होती है, कहते वो घर नहीं वही घर ही वृंदावन है। कहते ना आली मोहे लागे वृंदावनानी को, आली मोहे लागे वृंदावनानी को, लागे वृंदावनानी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावनानी को, लागे वृंदावनानी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावनानी को, आली मोहे लागे वृंदावनानी को, आली मोहे लागे वृंदावनानी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी लागे वृंदावनानी को। बोले वृंदावन हमें प्यारा क्यों लगती है? बोले घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। जिनके घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। घर में तुलसी है किसके? हाथ उठाओ तो किसकी तुलसी है? बहुत अच्छी बात। जिसके घर में तुलसी वृक्ष है, ये भागवत कहता है तुलसी कानन जत्र जत्र वृंदावनानी चो। जब ठाकुर जी ये संसार छोड़ कर गए, ये तुलसी में ही अपना स्वरूप रखा करके गई। इसलिए आप एक चीज को लक्ष्य करके देखना, जिसकी घर में तुलसी जितने बढ़िया होता है, ये लक्ष्मी माँ लक्ष्मी है। देखना नारायण के साथ में इनकी शादी होती है, देखे कि नहीं? क्योंकि जो तुलसी लक्ष्मी है, जिसकी घर में जितने बढ़िया तुलसी होगी ना, देखना घर में माल भी उतना बढ़ा होगा। आप इस चीज को नजर करके देख लेना, जिसकी घर में जितने बढ़िया तुलसी होगी, आप देखना किसी किसी घर में तुलसी रहती नहीं, मर जाती है, ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए भगवान अपना स्वरूप को तुलसी नहीं रख कर गई तुलसी, ये साक्षात माँ लक्ष्मी। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब है माँ लक्ष्मी की गले में तुम्हारी निवास हो गई। इसलिए घर घर में तुलसी और ठाकुर जी जरूर घर में होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, घर में जो तुम्हारी ठाकुर, इसको कोई पत्थर मत समझो, उसको कोई अष्ट धातु मत समझो, ये समझो ये ठाकुर साक्षात तुम्हारे घर में, ठाकुर जी की निवास तुम्हारी घर में। बोले अयोध्या की बात, ये सही घटना है। एक समय अयोध्या में कोई एक गुरु एक शिष्य रहते थे। शिष्य बहुत छोटा था जिसका नाम था रामदास। मंदिर में राम दरबार है। गुरु जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बोले रामदास ठाकुर को सेवा कर लो। तो बोले गुरु जी क्यों नहीं, आपका आदेश हो तो कर सकता हूँ। बोले देख बेटा बढ़िया से ठाकुर जी की सेवा करना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। गुरु जी जब चले गए, छोटा बच्चा, वो कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे सेवा करते हैं। उन्हें ठाकुर को रोटी सब्जी बनाए। बोले ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो। वो छोटा बच्चा था ना, वो सोच रहा था जैसे हम बैठ करके भोजन करते हैं ना ठाकुर खाएंगे, लेकिन ठाकुर तो उतर कर खा ही नहीं रहे। इतने में वो छोटा बच्चा ने कहा, बोले ठाकुर जी गुरु जी बोल करके गए अच्छे तरह से सेवा करना,
आप तो भोजन ही नहीं कर रहे हो। फिर गुरु जी हमें नाराज हो जाएंगे, ठाकुर जी भोजन कर लो। तब भी ठाकुर जी उतर नहीं रहे। अयोध्या में गए होंगे, वहाँ सरयू है। बोले अगर भोजन नहीं करोगे ना, ये सरयू में मैं प्राण त्याग कर दूंगा। वो बच्चा सरयू में छलांग लगाने के लिए गया तो भगवान राम हिल गए ठाकुर जी। भगवान बोले हनुमान जल्दी जल्दी जाओ, उसको पकड़ करके ले आओ। बोला ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। वो छलांग लगाने जा रहे थे, हनुमान जी पीछे पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। बोले कर रहे। बोले हाँ, आकर देखा भगवान राम भोजन कर रहे थे। उसको बाद में मैया सीता ने भोजन की, उसको बाद में लक्ष्मण भरत, फिर हनुमान जी भोजन लास्ट में किया। कुछ दिन गया तो उन्होंने ठाकुर को बोला, ठाकुर जी मेरे से और इतना नहीं हो पाएगा, अकेला भिक्षा करके। पहले तो भीख मांगने जाना पड़ता ना, भिक्षा, आटा लाओ, लकड़ी लाओ, दोना लाओ और सब लाओ, अकेला मैं कितना करूं। ठाकुर जी बोले चिंता क्यों करते हो, बताओ ना क्या करना। वो जो माता ही पीछे आ रहे हैं ना, उनको कोई आने मत दिया करो, उनको कोई आने मत दो, जो हम वहीं जहाँ पर वहीं पर बैठो, कोई मत आओ वहीं पर बैठो। इसलिए अभी इतने में बोले मेरे से और इतना हो नहीं पा रहा है। भगवान वहीं पर बैठो ना, बाद में दे देना। भैया पीछे कोई व्यक्ति हो किसको आने मत दिया करे। इतने में बोले मैं अकेला कितना करूंगा। इतने में राम बोले बताओ ना मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले आप तो घर के पिता हो, थोड़ी सी पत्ता और दोना बना देना। बोले कोई बात नहीं। इतने में मैया बोली मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले घर की माँ क्या करती है, रसोई बनाती है। बोले मैया आप रसोई बना देना। बोले मैं 14 साल तक जंगल में तो यही काम होती। लक्ष्मण बोले मैं क्या करूं। बोले थोड़ा सूखी लकड़ी जंगल से ले आना। अब देखे होंगे रामायण, लक्ष्मण क्या करते, सूखी लकड़ी को ले आते थे। बोले भैया मैं तो यही काम किया। हनुमान जी बोले बताओ मुझे क्या करना। बोले थोड़ी सी रखवाली कर लेना। बोले मेरा काम तो यही रखवाली करना। अभी केवल ये भिक्षा ले आता है मैया सीता, रोज रोज सुंदर सुंदर भोजन बनाती है, अच्छी अच्छी, और रोज छापान भोग छतरी सी व्यंजन एक खूब चकाचक चल रहा है। एक दिन गुरु जी का एक पत्र आया। बोले बेटा रामदास, मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, एक टाइम के लिए व्यवस्था कर देना, फिर मैं आकर के देख लूंगा। वो पत्र उन्होंने माता जी को दिखाया। माता जी बोली कोई चिंता मत करो बेटा, तुम थोड़ा ज्यादा भिक्षा करके ले आना, मैं बना दूंगी। उन्होंने गुरु जी को पास में पत्र लिख दिया। गुरु जी कोई चिंता मत करो, माता जी कहती है जितने संत आ रहे हैं सबको आने दो, जितने आना चाहते हैं, क्योंकि मैं केवल भिक्षा करके लाता हूँ और मैया सीता तो रोज बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है, और पिता राम जी दोने और पत्ता बना देते हैं, और लक्ष्मण भैया तो सुखी सुखी लकड़ी ले आते, हनुमान भैया सारे काम कर लेते हैं। गुरु जी ये पत्र पढ़कर बोले ये पागल क्या कहता है, मैया सीता भजन बनाती, लक्ष्मण लकड़ी लाते, हनुमान जी सेवा करते, गुरु जी को तो पता नहीं। गुरु जी तो बड़े चिंता में आए। जब बड़े चिंता में आए, देखा सचमुच से घर में इतने बना हुआ था साग सब्जी, इतने तरह का पकवान बना हुआ था। बोले इतने सारे खाना बनाया किसने। देखा सचमुच से माँ सीता कुंड में बैठी करके रसोई बना रही है। मैया सीता गुरु जी को देख कर थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराई और वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। इतने में उन्होंने पूछा बेटा ये कैसे हुआ। बोले गुरु जी जब आप चले गए थे ना यहाँ पर तो ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे थे, मैंने रोने लग गया, रोने लग गया तो तभी से मैया भगवान आकर, माता जी किसको बुला रहे हो। इसलिए उन्होंने बोले तब से घर में सबके सब सेवा कर रहे हैं सबके सब। गुरु जी तो सुन करके आश्चर्य में पड़ गए। बोले बेटा तेरे जैसे चेले को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है, तेरे जैसे चेले को पा करके। इसलिए हम कहते हैं ना, देखो ये चीज को गांठ कथा से कुछ ले करके जाओ, ऐसे नहीं पल्लू झाड़ करके 7 दिन तक चली गई। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। देखो अगर सही सही तुम ठाकुर को सेवा करोगे, ठाकुर को ऐसे नहीं खुद बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, प्याज लहसुन डाल करके ठाकुर को पटक करके रख दिया घर की कोने में, थोड़ा बाता से भोग लगा दिया, दिन में 2 बार ड्रेस बदला रहे हो, ठाकुर जी 10-15 दिन से एक ड्रेस पहनकर बैठे हुए। नहीं, शास्त्र में बताया ठाकुर जी को सेवा कैसे करनी चाहिए, आत्मवत। आत्मवत मतलब है ठाकुर को रोज जैसे आप स्नान करते हो, अभी ठंडा का समय, थोड़ी सी पानी को गर्म करके ठाकुर को स्नान कराओ, उसका चरणामृत लियो, बच्चों को भी दो, सबको दो। देखो
ठाकुर का जो चरणामृत लेते हैं ना, इसका मंत्र है बोले अकाल मृत्यु हरणम, असमय में मृत्यु को खत्म कर देती है, सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियों को दूर करने वाले भगवान की ये चरणामृत है। अगर प्रभु का चरणामृत पीकर कहीं भी जाओगे ना, तुम्हारी कोई विपत्ति नहीं आएगी जीवन में, इतने महत्व ठाकुर के चरणामृत में। और ठाकुर को रोज ऐसे नहीं, ठाकुर को दो चार आठ दस सेट, बोले ठाकुर को तो इतने कपड़े नहीं, ऐसे नहीं, अपना साड़ी को तो कितना साड़ी है, कोई शादी की सालगिरह है ना, पति को बोलोगे मेरे लिए एक नई साड़ी ले आओ, अगर पति बहाना बनाएगा अरे बहुत सारी साड़ी मेरे समय नहीं, बोले पैसा मुझे दे तो मैं खुद खरीद कर ले आऊं। तो ठाकुर का शक नहीं होता है पहनने के लिए, भगवान के अंगुल कट गया, द्रौपदी बैंडेज कर दी तो ठाकुर जी रीझ गए। भरी सभा में जब लाज जा रहे थे, किसने कोई मदद की, किसने मदद की, ठाकुर ने मदद की है। कहते ठाकुर को जो ड्रेस है उसमें जो एक एक धागा, जो ठाकुर को ड्रेस पहनाते हो शास्त्र कहता है उसमें एक एक जो धागा है ना, जितने धागा उतना कल्प तक उसको ठाकुर जी की धाम में निवास होता है। देखो ये मैया जो वीडियो ले रही है, कभी इस माता जी घर में जाना, देखना ठाकुर को कैसे ड्रेस है, कितने सुंदर अपना हाथों में ऊल से बना करके ठाकुर को कितने सुंदर कपड़ा, बड़े बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा माता जी बनाती। अब तो भजन सुन रही थी, इसलिए अपना जैसे ठाकुर को सेवा करो, देखना अगर ठाकुर अगर घर में खुश, जिस घर में ना, उसको घर में कभी दुख कष्ट आ ही नहीं सकते, कभी आ ही नहीं सकता, आप देख लेना। और जिसको घर में ठाकुर खुश नहीं, ठाकुर जी को सेवा पूजा नहीं होती ना, करोड़ अरब खरब रुपया तुम्हारी घर में आ जाए, ये परख करके देख लेना। पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी है नहीं, लक्ष्मी नारायण की, तब भी लक्ष्मी खुश रहती है जब ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में, कृष्ण सेवा में लगती है। नहीं तो ठाकुर जितने पैसे आ जाए देखना, घर में रोग व्याधि दुख कष्ट मामला मकदमा लगा देगी, ये सारे पैसा बह जाएगी, घर में शांति सुख नहीं होगा। नहीं तो बच्चे क्या शराबी खराबी हो जाएंगे, क्यों पैसा ठाकुर की सेवा में लगी नहीं रहे, ठीक है ना, इसको गांठ बांध कर ले जाना। इसलिए और क्या करना है, ठाकुर जी के नाम को जप करना। देखो हम लोगों ने कितने दिन कथा सुनी है, जोर से बोलो, सात दिन। अभी प्रश्न है हम ये सात दिन क्यों कथा सुने, इसका रहस्य को सुन लो, इसको बाद में कथा को विश्राम दे देंगे। ये सात दिन क्यों, आठ दिन क्यों नहीं, इसकी कथा को सुनो ध्यान से। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में राजा से मिलने के लिए आए, लेकिन राजा राज कार्य में बिजी था। संत बोले, बोलो राजा को एक मिनट, ये संत मिलना चाहते हैं। लेकिन राजा सोचा कोई संत हुए होंगे, कोई बात नहीं, वो होगा कुछ भिक्षा लेने आए होंगे। तो उन्होंने 101 रुपया भेज दिया संतों को दे देना। संत बोले हमने पैसा लेने नहीं आया, मैं तो एक मिनट कोई जरूरी काम है। बोले मेरे पास राजा बोले मेरे पास में कोई समय नहीं संत से मिलने का। इतने में उन्होंने दुखी होकर के उन्होंने वो गए, दुखी होकर किसको पास में गए, रानी को पास में। जब रानी ने सुना संत कोई विशेष काम को लेकर के आए हैं, रानी बोले घर में ले आओ संतों को, घर में ले आओ बैठा करके। बोले बाबा आपकी क्या सेवा करें। बोले महारानी मैं तो राजा से कोई जरूरी काम लेकर के मिलने के लिए आई थी, लेकिन राजा तो मेरे से मिले ही नहीं। बोले मुझे ही बताओ ना, मैं सेवा कर दूंगी। बोले रानी ध्यान देकर सुनो, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा कि जो राजा है ना सात दिन में मरने वाला है। कितना दिन में, सात दिनों में मरने वाला। अभी अभी शादी होकर रानी आई, राजा अभी अभी राज्य अभिषेक हुई। अगर कोई बोले रानी के दे तुम्हारी पति राजा सात दिन में मर जाएंगे, बताओ क्या स्थिति होगी। राजा रानी तो सुनकर होश उड़ गई, बोले क्या कह रहे हो बाबा। बोले मैं तो इतना बात बताने के लिए आया था राजा को, लेकिन राजा हमसे बात ही नहीं किए। बोले ये क्या सत्य, बोले ये ध्रुव सत्य है। इतने बोल करके बाबा चले गए। बोले राजा को खबर दे देना। राजा को पास में दौड़ दौड़ करके दासी गई, बोले महारानी अभी अभी आपको बुला रही है, कोई जरूरी काम है। देखो संत गिड़गिड़ाते हुए चले गए, लेकिन इसको पास में एक मिनट भी नहीं हुआ। लेकिन जब पता चला रानी मेरे को बुला रही ना, नई शादी हुई ना, अभी चंद्रमुखी है, अभी तो सूरजमुखी ज्वालामुखी बनी नहीं, अभी तो चंद्रमुखी है, है नई नई। वो जब सुना रानी बुला रही ना, सारे काम को फेंक बांक कर भागा वहां से। बोले रानी ऐसे क्या जरूरी काम पड़ गया। बोले कोई संत आपसे मिलने के लिए गए थे। बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले। बोले मैं तो राजकार्य में बिजी था। बोले महाराज जब भगवान की अति हरी कृपा जा पर हुई, पाप देही या संगत सोई,
शंकर जी कहते हैं पार्वती ये संत का दर्शन कब होता है, बोले अति हरि कृपा जा पर हुई। जब भगवान की कोई विशेष कृपा किसको ऊपर हो पार्वती, तभी जीवन में संत दर्शन मिलता है। जब जीवन में संत दर्शन मिल जाए तो समझो हमारी बड़ा पार है। कहा संत आए आपके पास में एक मिनट नहीं मिला, अरे मैंने बुलाया था भागते भागते आ गए। बोले बताओ ना बात क्या, बोले बात बड़ा गंभीर है। उन्होंने ये बताए आप 7 दिन में मरने वाला। बोले 7 दिन में, बोले हाँ तो यही तो बताने आए थे। राजा तो घबरा गए, बोले बाबा कहें कहाँ गए, बोले चले गए, बोले जल्दी जल्दी बुला उनको। जब बुलाए बोले बाबा आप बोले मैं 7 दिन में मरने वाला, बोले हाँ, बोले बचने का कोई उपाय, बोले कोई उपाय नहीं। लेकिन महाराज आप बहुत बड़े दानी हैं, आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इस स्वर्ग में सब सुख मिलेगा, लेकिन एक चीज कमी है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। रात को जब सोओगे ना आपको ये मच्छर काटते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। बोले फिर बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छरदान का भी व्यवस्था है। लेकिन महाराज और एक चीज की कमी, बोले किस चीज की, बोले जो मच्छरदान का कोने में ना एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर क्या, जब आप यहाँ से जाओ एक सुई धागा साथ में ले जाओ, उसको सिलाई कर दोगे ना, बस चैन में सोओगे। बोले बाबा आप कहते हो सुई धागा ले जाने के लिए, बोले हाँ। बोले तो यहाँ जब मरेंगे तो यहीं पर जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाएंगे। बोले क्यों, इतना बड़ा राज्य है, जो संतों को साथ में एक मिनट भी तुम्हारी समय नहीं, इतने तू राज कार्य में बिजी हो, अब तू कहते हो एक सुई धागा भी साथ में ले सकते हो। बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी ही बात समझाने के लिए आया था, जब ये शरीर छूटेगा आपकी, यहाँ से एक सुई धागा भी साथ में चलने वाले नहीं, यही तरीके में समझाने आए थे। तब संत ने पूछा ये बताओ जब शरीर छूटता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं। बोले बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले इसका मतलब क्या है, बोले जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है केवल वही सत्य है, वही केवल साथ में जाता है, और जगत में सारी चीज झूठा है। बोले महाराज आपको यही चीज बताने के लिए मैं आया था, अंतिम समय में एक सुई भी धागा भी साथ में जाने वाला नहीं, जितने तुम ठाकुर का नाम कर रहे हो, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल धीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले महाराज साथ में केवल ठाकुर का नाम जाने वाले, और साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं, एक सुई धागा भी यहाँ से तुम उठा कर नहीं ले सकते हो, मैं यही चीज बताने के लिए आया था। बोले महाराज अभी ध्यान से सुनो, अब भी ध्यान से सुनो, वो क्या बताना चाह रहे हैं। बोले मैंने जो आपको बताया था, आपको मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाऊंगी, मैंने ये नहीं बताया था, मैंने ये बताया था 7 दिनों में मरोगे। कितना दिन में, दिन कितना है, दिन 7 ही है, दिन 8 नहीं है, दिन 7 ही है। जब हम शरीर छोड़ेंगे ये 7 दिन को अंदर में एक दिन ना एक दिन शरीर छोड़ेंगे, लेकिन मैंने नहीं बताया था 7 दिन बाद में तुम मर जाओगे, मैंने ये बात आपको नहीं बताया था, दिन 7 ही है। इसका मतलब है जब उन्होंने ये बात बताया ना 7 दिन को अंदर में मरोगे 7 दिन को बाद में नहीं, इतना सुनते ही तो राजा का 2 बार जान आ गया, उसके प्राण 2 बार आ गई। फिर देखो संतों ने उसको किया दिया, बोले महाराज देखो मेरे सामने, बोले एक माला और एक उन्होंने झोली पकड़ाया। बोले महाराज ये माला झोली लो, आज से भगवान की भजन करना, क्यों यही तुम्हारे साथ में जाने वाले हैं। राजा का जीवन ही बदल गया, तब से उन्होंने ये माला झोली लेकर के भगवान की भजन में उन्होंने लग पड़ी ठाकुर की। इसलिए हम लोग ये 7 दिन तक कथा सुनते हैं, दिन 7 ही है, दिन कभी 8 नहीं होता, लेकिन जब मरेंगे 7 दिन में एक ना एक दिन मरेंगे, लेकिन साथ में एक सुई धागा भी नहीं जाने वाले नहीं, इसलिए जाने वाले क्या है, ठाकुर जी की नाम ही जाएगा। इसलिए भागवत का जो फर्स्ट श्लोक है और जो अंतिम श्लोक है ना, वो ठाकुर का नाम से ही खत्म होता है। आप मेरे पीछे पीछे बोलो, क्योंकि ये भागवत का अंतिम श्लोक है, ये श्लोक को बोलने पर आपको पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिल जाएगा। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो,
बोले नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम प्रणाम दुख समनम प्रणाम दुख समनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरिं परम स्तम नमामि हरिं परम स्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। यदि ये श्लोक बोलने से पूरी भागवत कथा सुनने का आपको फल मिल गया है, इसका मतलब प्रभु का नाम संकीर्तन से पाप दूर होगा और सुख शांति प्रभु का नाम से ही मिलेगा। इसलिए कल लोग कुछ लोग माला लिए, आज जो इच्छा करते हैं माला लेने के लिए, अभी रुक्मिणी कृष्ण आएंगे, इसको शादी को बाद में कथा की विश्राम होगी और जाते समय जो लेना चाहते हो माला नाम लिखवा करके आप लोग माला को लेकर के जाना। एक बार और एक बार देख लो, जो माला लेकर के जाओगे ये माला को कैसे जब करके देख लो, देखो ये माला को देख लो अच्छे तरह से देख लो, क्योंकि यही भागवत का सार है। जब ये माला जब करोगे ये अंगुल को इसमें नहीं लगाना, क्यों? ये गंधा अंगुल, हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, ये अहंकार का प्रतीक है। इसलिए ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रखना, ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है। ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे बोल कर उसमें एक मोती सरकेगा, दो बार बोल कर दो मोती सरकेगा। जब यहाँ खत्म हो जाएगी याद रखो इसको पार नहीं करना, अच्छे तरह से देख लो, इसको पार नहीं करना, इसको घुमा देना दूसरे तरफ से। और जैसे भोजन करने से पहले कोशिश करना जैसे कुछ माला जप करके भोजन करें। देखो ये माला के लिए कोई नियम नहीं है, जैसे कभी कभी माताएं अपवित्र होती हैं उसी समय में भी ये माला को आप जप कर सकते हो, इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे बिस्तरा में बैठे हो नींद खुल गई तभी भी माला को आप जप कर सकते हो, लेकिन तब भी कोशिश करना स्नान करके थोड़ी समय निकाल करके ठाकुर को सामने जप करने के लिए। और जो प्याज लहसुनों को छोड़ेगा उसको हम गले में तुलसी कड्डी तभी देंगे, लेकिन जो बोलेगा नहीं केवल धीरे धीरे हम छोड़ेंगे, लेकिन ये लकड़ी का माला तो हम दे देंगे नीम की माला, लेकिन आपको तुलसी माला नहीं नीम की माला देंगे। लेकिन जब प्याज लहसुनों छोड़ दोगे फिर जाकर आपको गले में तुलसी कड्डी जब करने के लिए फिर हमको तुलसी माला भी हम प्रदान करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, प्रभु जी आप बोल दो, इसको बाद में कृष्ण रुक्मिणी शादी हो जाएगी, इनको एक माइक दे दो, माइक दे दो। मंगल सूत्र के लिए बोल दो, इस नंबर पे बता देंगे, किसी को बताओ तो नंबर नोट कर लो। श्री राधे कल को है। हरे कृष्णा, जोर से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। एक मिनट, आज है ना इंद्रदेव ज्यादा खुश हो रहे हैं, जब भागवत कथा होती है ना खुश हो रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है, जिन लोगों ने हमको मदद किया हम थोड़ा उनका स्वागत करना चाहते हैं। और इस अनाउंसमेंट के बाद में महाराज जी थोड़ी कथा बोलेंगे और फिर हमारे जो अतिथि हैं फिर वो आरती करेंगे आएंगे, हम उनका भी नाम बोलेंगे, ठीक है ना? सबका नाम अभी बोल दो, अभी कृष्ण रुक्मिणी शादी फिर कथा फिनिश है। और नहीं देखो हमारा स्टार्टिंग कलश यात्रा जहाँ से हुआ, हमारे वो मंदिर से कहां से हुआ, उन बिचारों ने बड़ी मेहनत करी, हमारे शिवनारायण जी ने इन्होंने लिस्ट बनाई, और एक हमारे पृथ्वी जी माता जी हैं, इन्होंने इस उम्र में भी कितनी प्रयास किया, 71 औरतों का नाम दिया, कितना प्रयास किया, इन लोगों की ताली बजाओ देखो, इन्होंने बहुत प्रयास किया। और जो कलश माता इतनी दूर से लेके आई सर पे, उनको भी स्वागत करो ताली बजाओ।
और ये जो टेंट लगाया है हमारे बेचारे जी गुप्ता जी, बारिश टपक रही है, इंद्र नहीं माना, आज इन्होंने फिर इसके ऊपर वो लगाया, तिरपाल भी लगाया, ये बेचारे, इनका भी बहुत जोर से स्वागत करो ताली बजा करके। जो लोग है ना हाँ। ये हर साल ये भागवत कथा कराते, जो टेंट वाले हाँ। वो हर साल ये भागवत कथा कराते हैं ये, और हमारी जहाँ जहाँ पर कथा होती है ना वहाँ वहाँ पर टेंट एकदम सही पैसा में तन मन हर थर से ये चार पांच भाई खूब सेवा करते, उनका मैया भी आई है, उसकी मैया नहीं आई ना। और आपको जो गरम गरम हलवा पूरी छोले चावल जो खिलाए हैं, खीर बेचारे जो बना रहे हैं, कितना सुंदर प्रसाद बनाया, सबको आनंद आया ना, इनकी भी एक बार जोर से ताली बजाओ। हाँ, और सबसे ज्यादा डांट पड़ती है साउंड वालों पे, कोई भी कमी होती है ये सही कर, ओए ये सही कर, ये बेचारा इतना सुंदर साउंड लगाया, सबको सुनवा रहे हैं, इनको भी इनकी भी ताली बजाओ जोर से। ये साउंड वाले भैया अभी तक हमने बहुत कथा की, लेकिन इनकी साउंड में जो आनंद और कहीं नहीं आनंद आया है, बहुत अच्छा किया हमारे, जब जब कहीं प्रोग्राम होगा ना तुम ही लगाना। हमारे वृंदावन से भक्त आए, कितना सुंदर सुंदर आपको कीर्तन बजा रहे हैं, तो इनकी ताली नहीं बजेगी क्या? जिसको जितना कीर्तन में आनंद होगा उतना जोर से ताली बजाओ। हमारे श्री इनका नाम श्री ये ब्रजवासी है, इनका नाम श्री श्याम बाबू है, और जो हम जो ढोली की में श्री हमारे श्रीधाम भैया और श्रीकांत भैया, जो पेड़ में श्री श्रीकांत भैया, इसलिए इन लोगों के ताली बजाओ ये लोग। हाँ, हमारे पीछे पीछे मधुकंठ गौर सुंदर श्यामानंद प्रभु, जिन लोगों ने आपको रोज रोज सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, और आप लोग डेली आए और इतनी भीड़ में इतनी कम जगह में इतने सारे लोग बैठे और बारिश में बैठे, आप अपने लिए भी जोर से ताली बजाओ। हाँ, जो आप लोग है ना, आप लोग परीक्षित महाराज है, जैसे सुखदेव गोस्वामी आ गए, पैंडल सब कुछ हो गया, अगर आप परीक्षित नहीं हो तो फिर कथा होगी बताओ? इसलिए आप लोग जितने कथा सुन रहे हो घर में ठंडी का समय में कितने आनंद में बैठते, लेकिन इस सारे आनंद को छोड़ करके इतना कष्ट से आप लोग जो कथा किया ना, सब जगह हम जाते हैं लेकिन तुम लोग जैसे श्रोता इतने अभी ज्यादा रूप में कहीं नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग जितने जोर से ताली बजा सके हो आप लोगों के लिए ताली बजा। और जिन्होंने हमको मदद किया खोड़ा वासियों ने, संपूर्ण खोड़ा वासियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी एक का, जिन्होंने अपना कमाई का पैसा दिया और यहाँ सेवा में लगाया, उन लोगों के लिए भी जोर से, जिन्होंने प्रसाद हलवा और ये सब, और बेचारे जिनके घर है आसपास में, घर है ना आसपास में, इनके घरों के आगे पर्दा रहा, इनका गेट बंद रहा, बेचारे इनके लिए भी ताली बजाओ जोर जोर से। ये लोग बहुत सज्जन लोग हैं, भले भाग्यवान भी, क्योंकि घर को सामने गंगा बहते बहते वृंदावन आ गए, वृंदावन से, और ये घर में बैठ बैठ करके गंगा में स्नान कर लिए, फिर इनको घर में पर्दा लगा हुआ, लेकिन चुपचाप यहाँ पर जो इन लोगों ने यहाँ इतना सहयोग किया है, ये लोग को बड़े धन्यवाद का पात्र है ये लोग, ठाकुर जी इनको खूब साथी सुख दे। और यहाँ कृष्ण बलराम बालाजी जो मंदिर है जिनका बोर्ड लगा हुआ है, वो बेचारे मंदिर वालों ने भी, ये सब यहाँ कमेटी के लोग हैं, और यहाँ हर संडे जो लास्ट वाला संडे हुआ करेगा ना, वो यहाँ प्रोग्राम हुआ करेगा, और मठ से हम लोगों को बुलाएंगे, कीर्तन कथा करवाएंगे आपका, ये कंटिन्यू महीने के लास्ट वाला जो संडे है यहाँ हुआ करेगा, तो इन लोगों के लिए भी बहुत जोर से ताली बजाओ। अच्छा, सब कुछ है, सबका तो हो गया, लेकिन आपको इतनी मधुर मधुर इतनी सुंदर सुंदर जो कथाएं सुनाई हैं, तुमको आपको इतना जो आनंद आया है उनके लिए ताली नहीं बजेगी है? महाराज जी के लिए जोर से ताली बजाओ जयकार बोल के, बोलो हरि बोल, श्रीला गुरुदेव की जय। और एक बात और सुनो, देखो कोई चीज अगर फ्री में मिलती है तो उसकी कीमत नहीं समझते, नहीं ना, महाराज जी से लोग माला भी लेके जा रहे हैं, जब थैले भी लेके जा रहे हैं, अरे भाई ये साधु हैं जो ये अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो हरिनाम और जो जप माला लेके जा रहे हैं, कुछ न कुछ साधु को प्रणाम ही जरूरी देनी चाहिए। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने शरीर का इलाज कराने के लिए तो पैसा दे के आते नहीं आते
है, डॉक्टरों को जितने बताएंगे उतने पैसे दे देते हैं, लेकिन जो आत्मा का इलाज कर रहे हैं आपके का ये लोग, और जो परलोक तक का आपका जो रास्ता बना रहे हैं, उनके लिए नहीं कुछ फीस बनती, माला लेके चले गए और अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो भी माला लेके जाएंगे महाराज जी को जरूर प्रणाम ही लेके जाना, ठीक है। इन हमने सबको स्वागत कर दिया, और आज हमारे जो अतिथि हैं बेचारे जो आरती में आएंगे, हमारे डॉक्टर बी के गुप्ता अर्पण नर्सिंग होम है, ये बड़े सरल भक्त आदमी है, कम से कम 30 साल से हम जब कभी भी इनके पास जाते हैं तो बेचारे हृदय खोल देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बोलो कितने चाहिए। ये आरती में आएंगे, और रोशनलाल शर्मा पाठक जी प्रॉपर्टी डीलर वाले, अर्जुन सिंह, जयपाल पुंडी, राजेंद्र बाबा, हमारे शिवनारायण प्रभु जी, ये जो चलकनी चलकनी जो चुंदरी जी इन्होंने मंगाई थी, ये सब आरती में आएंगे। रामजीत सिंह हलवाई, ये सब स्वागत में आएंगे, ये लोग आगे से आरती करेंगे, मैंने जिनका नाम बोला है। और हमारे हाँ बल्ले पहलवान जी, ये हमारे बड़ी, ये भी आरती में आएंगे, और पत्नी दोनों, आज उनकी पत्नी भी आई है बेचारी, यहाँ बैठी थी ऊपर से इतना तेज पानी बढ़ा और पूरा भीग गई, और दोबारा गई बेचारी और कपड़ा चेंज करके लेके आई ऐसी ठंड में, वो भी आएंगे। संजय साहू और जयप्रकाश जी हमारे जाट भाई हैं, वो आएंगे। गुरविंदर सिंह, सुखपाल सिंह जाट, नरेंद्र सिंह भंडारी, और हमारे राम स्वरूप और राजेश गौतम जी, ये सब लोग भी आए हैं, इनके सबका स्वागत है। ये सब लोग रहेंगे, जब आरती होगी तो आप ये आगे से सब लोग आरती करेंगे, और आप लोग पीछे हो जाना, महाराज जी अभी थोड़ी कथा सुनाएंगे और उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा। हरे कृष्णा। देखो ये कृष्ण रुक्मिणी की 2 मिनट की कथा सुन लो। ये जो भीष्मक राजा थे जिनकी 5 बेटे और सबसे जो छोटी बेटी ये माँ लक्ष्मी स्वयं, ये नारद जी को ये बात पता था, इसलिए नारद जी बचपन में ये रुक्मिणी को कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे। अब ये कृष्ण कथा सुनते सुनते रुक्मिणी की रोम रोम में कृष्ण बैठ गई। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की मैं शादी करूंगी तो श्री द्वारकाधीश को ही मैं शादी करूंगी, लेकिन इसकी भैया रुक्मिणी के जो पता चला, बोले क्या, मेरी बहन कृष्ण के ग्वाला गैया चराया करते थे, एक ग्वाला को साथ में मेरी बहन की शादी होगी, मेरी बहन की शादी तो राजा महाराज श्री शिशुपाल से हुआ करेगा। इतने में रुक्मिणी को पता चलते ही उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, एक सुंदर पत्र लिख करके कृष्ण को पास में भेज दिया। कृष्ण पीली पत्र देख करके समझ गए ये कोई प्रेम की पत्र है, लेकिन वो पत्र में इतना सुंदर भावार्थ था, जिसको सुन करके कृष्ण पढ़ करके रुक्मिणी को वहां पर हरण करने के लिए आए। उसमें लिखा हुआ था, हे भुवन सुंदर कृष्ण, जगत में आप ही जगत में बड़े सुंदर, आपसे कोई सचगत में सुंदर है नहीं, इसलिए हे प्रभु जगत में जो पति है, पति मतलब क्या है, प मतलब होता है पालना करना, ती मतलब संसार से जो हमें त्राण कर दे, कौन हमें पालन और त्राण करने वाले, ये ठाकुर ही है, इसलिए जगतपति जगन्नाथ तुम हो। कहते हे प्रभु अगर आप मेरे को यहाँ से उधार नहीं करोगे, जन्म जन्मांतर तक मैं प्राण त्याग कर सकती हूँ, लेकिन ये सियार शिशुपाल को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप तो पुरुष सिंह हो, अगर शेर के हिस्सा अगर सियार ले लिया तो ये सिंह का ही बदनामी है। उनने सब कुछ डिटेल से रूप में उसने लिख दी। बोले आप मेरे को कैसे उधार करोगे, बोले हमारी एक कुल की एक रीति है, बेटी शादी से पहले वो माँ देवी को पूजा करने जाती है, उसी समय अपना पराक्रम को दिखाते हुए मेरे को उधार करना। जब शिशुपाल को ये पता चला कृष्ण रुक्मिणी को प्रेम करती थी, कृष्ण का पराक्रम तो पता है, वो पहले ही से ही सैन्य सामंत को लेकर के आया था, अगर कृष्ण बीच में आएगा तो सब मिलकर कृष्ण को वहां पर युद्ध करके हरा देंगे, चारी तरफ में सैन्य सामंत घिरे हुए। इतने में रुक्मिणी अपना सहेलियों को साथ में माँ देवी को पूजा जब करने के लिए गई, स्वयं शंकर पार्वती प्रकट हुए, वेद मंत्र के द्वारा कृष्ण रुक्मिणी को उन्होंने शादी करवा दिया। जब शादी करके रुक्मिणी जब निकली, इतने में देख रही है मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, मेरे प्राण प्रियतम कहाँ है, जब उन्होंने स्मरण किया, इतने में कृष्ण वहां पर रथ को लेकर उपस्थित हुए। और रुक्मिणी कौन है, ये जगदम्बा जगजननी माँ लक्ष्मी स्वयं, इतने सुंदर रुक्मिणी थी, जब अपना अपना घूंघट को निकाली
इनकी सुंदरता को देख करके जितने वहां संग सामक सब बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट होते हैं और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आ गए। बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, रुक्मिणी को तू लेकर के जा, मैं इनको देख देता हूँ। बलदेव प्रभु निकाले अपर हाल और मुसल हो जितने थे, मार मार करके वहां से भगा दिए। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में गए और बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। एक काम कर सकते प्रभु, इनको माला बदला सकते हैं? माला दे दी महाराज जी, माला तो दे दी, लेकिन दो लड़की को यहाँ पर तब सब नियम था, दो लड़की को बनाना चाहिए था, आपने एक लड़का किया। माला बदली होती है वो लड़की दो बजे आपकी लड़का दो लड़की दो लड़की को दे दो, अपना अपना बच्चा दे दो, दो लड़की को दे दो, उनको दे दो हाथ में माला दे दो। बच्चों ये माला ले तू, छोटी को बड़ी माला दे दो, बच्ची हाँ दोनों खड़े हो जाओ। हाँ एक दूसरे को मिला। हाँ बोलो भैया वृंदावन बिहारी लाल की, ताली बजाओ जोर से। बोलो रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। प्रभु जी हाँ भैया अभी का माइक खोल दो। श्री राधे बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरु जी महाराज की। देखिए कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाओं का कभी ना शुरू होती है ना ही कभी अंत होता है। ये तो हमें जितना भी समय मिला, महाराज जी की जितनी कृपा हुई हमें उतनी कथा श्रवण करने को मिली। कथा का एक नियम होता है, जब हम सात दिन कोई भी ब्राह्मण हमारे घर में आता है, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो यज्ञ के बाद में दक्षिणा देते हैं ना, तो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसको बोला जाता है ज्ञान यज्ञ। तो महाराज जी ने आप लोगों को यहाँ पर सात दिन तक कथा श्रवण कराई, तो आप लोग बारी बारी से सभी मंच पर आएंगे और आकर के गुरुदेव का पूजन करेंगे, और जो महाराज जी यहाँ पर ये तंदूर है आपको ये प्रसाद के रूप में देंगे, ये चावल। हाँ चावल, सॉरी कोई बात नहीं, तंदूर सभी समझ जाएंगे। तो ये चावल जो है आपको और एक लाल कपड़ा में बांध करके ठाकुर जी के मंदिर में रखने हैं, उसमें कोई सिक्के रख करके उसको ठाकुर को पास में रख लेना, उसमें रखने पर लक्ष्मी घर से कभी जाती नहीं, घर में हर समय टिकी रहती है। मैं हमारे जो भी प्रभु जी हैं उनसे निवेदन करूंगा सभी से, इधर से भी और इधर से भी मंच खाली कर दें, क्योंकि इधर से माता आएंगी इधर से उतरती चली जाएंगी जो भी पूजन करने वाले हैं। पहले आप लोग पूजन करना, जो कमेटी के सदस्य यहाँ पर विराजमान है आप लोग महाराज जी का पूजन करेंगे सभी, क्योंकि भागवत में नियम है, कथा भी है। जिस समय कथा विश्राम हुई उस समय राजा परीक्षित ने भी, क्योंकि जो कथा व्यास होते हैं सुखदेव स्वरूप होते हैं, तो राजा परीक्षित ने भी जो है सुखदेव जी का टीका लगा करके स्वागत किया था। तो आप लोग भी बारी बारी से मंच पर आएंगे, जो मंच पर मौजूद हैं पहले वो ही लोग टीका करेंगे, और ये हम भगवान की विवाह के भजन भी गाते रहेंगे, जिनको नाचना है वो नाचते भी रहेंगे, और बारी बारी से मंच पर एक साथ भीड़ भी नहीं लगाएंगे, बारी बारी से आते जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे उतरते जाएंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो कथा में श्री जदुनंदन प्रभु जी खड़े हो जाए। हाँ इन्होंने ये जो कथा हुई है, प्रभु जी मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे महाराज जी कथा होगी कथा होगी, मैंने डेट को इधर उधर कर रहा था, लेकिन अभी जो कथा हुई ये डेट को भी मैं भी बदला रहा था, बोले क्योंकि और कहीं कथा थी, मैंने कहा थोड़ी सी आगे पीछे कर दो। प्रभु बोले नहीं नहीं, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहरी आ रही है, अगर तीसरी लहरी आ जाएगी तो पता नहीं कथा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जितना जल्दी हो कथा को अब कथा को कर दो। इसलिए अभी भी दिल्ली में अभी भी रात को लगता हुई है, इसलिए प्रभु जी की अथाह प्रयास से, और हमारे पृथ्वी प्रभु जी, और हमारे क्या प्रभु जी, अरे प्रभु जी क्या नाम, शिव नारायण, इन लोग बहुत पहले सब बोल रहे थे, और पिछली बार तो भैया के घर में हमने रुके, और इस बार भी बहुत प्रार्थना कर रहे थे हमारे पृथ्वी भैया हैं रुकने के लिए, लेकिन ये ठंडी था और किसी कारण से रुक नहीं पाए। इन लोगों ने पूजन करेंगे नरेंद्र गुप्ता जी, हाँ उनका भी प्रयास रहा था। हाँ श्री सुरेंद्र गुप्ता जी
इनके भी बहुत प्रयास रहा है ठाकुर जी इन सब को। देखो भागवत में बताया, भागवत कथा में जो कथा सुनने आए, अगर इसमें एक चाबुक का किनका भी अगर किसी ने भोग में लगा दिया ना, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगा। इसलिए आप लोग इतना कष्ट करके आए, सब कुछ किया, ठाकुर जी आपको शांति सुख और आपको प्रेम और भक्ति आपको प्रदान करें। हाँ, जो इच्छा करेगा हम माला जप करने के लिए आपको माला दे सकते हैं, लेकिन जो चाहेगा उसको ही माला देंगे। लास्ट में ना, लास्ट में महाराज जी यहीं रहेंगे, जो हरिनाम लेंगे वो इंतजार करें, और सबके लिए प्रसाद आराम से बैठे लाइन से सबको मिलेगा, चिंता न करें, भगदड़ न करें, सब सहयोग करें। हम इतना सहयोग किया है तो थोड़ा और सहयोग करें, गरम गरम माला, चिंता नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप मेरी सखियां मेरी गाल, इधर ना रास्ता थोड़ी इनको इनको ना प्रभु तथा उधर बैठा दो, थोड़ी उस तरफ में बैठा दो। अर्दू 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 आओ लागो आओ लागो। तो जो लोग भी, हाँ ये चावल से पूजा पूरा पहुंचा दो। दास रूपाय विष्णवे नमो वै मन दये वासिष्ठाय नमो नमः। कैसे बलि को क्या बरे जो जन सभी से निवेदन करूं जो मंच पर इस समय मौजूद हैं, जो मंच पर महानुभाव मौजूद हैं, महाराज जी का सम्मान करने के बाद में आप लोग सभी मंच को छोड़ दें, क्योंकि जब माताएं आएंगी तो फिर भीड़ ज्यादा हो जाएगी मंच पर। जितने भी प्रभु जी लोग हैं, क्षमा चाहूंगा, आप लोग थोड़ी देर के लिए मंच खाली कर दें सभी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की I'm gonna make you mine।
तेन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी तेन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी तेन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी